मैडम सामने सामने में नहीं आने से काम अरे थांबा रे बाबा अरे एक मिनट जरा मैम एक मिनट जरा एक मिनट हाँ नहीं तो गए मैम रुकियो बात करने आई है हमें वही करना है कुछ ही करना है भाई चलो थोड़ा घर में बस मैम मैम एक सेकंड इधर आ गया यार नहीं 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 गुड इवनिंग एंड वेलकम सबका स्वागत है एंड खास करके सलमान भाई एंड हिना फ्रॉम हु हैव ग्रेस्ड द ओकेजन. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इस इंग्लिश में बात करूँगा इज़ दैट फाइन ओके. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. ये एक हमारे ओर से कोशिश है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो फेथ है लोगों की जो बिलीफ है लोगों की वो बिलीफ को हम कैसे उनके हाथ में उनके घर में और उनके दिल में हम पहुँचाएँ उससे हम कैसे उनको जोड़ सकते हैं ये एक छोटी सी कोशिश है. हमारी प्रेजेंस डिवोशनल कैटेगरी में करीब 10 साल से है और हमारे पास काफ़ी कंटेंट हमने बनाया है पिछले 10 सालों में अक्रॉस हर एक फेथ बी इट हिंदू इस्लामिक क्रिश्चियनिटी जैन सिख मोर देन 3000 घंटे से ज़्यादा कंटेंट हमने इन्वेस्ट किया है पिछले 10 सालों में. इस कंटेंट को लेके हमने कई जगह एक अच्छी प्रेजेंस बनाई है जिससे जैसे कि डीटीएच जितने प्लेटफॉर्म्स हैं हम सर्विस चला रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे टाटा स्काई डिश टीवी वीडियोकॉन हर एक पे और ख़ास करके जो हमारी इबादत सर्विस है उस पर बहुत अच्छे हमारे फीडबैक है और अच्छे फॉलोअर्स भी हैं. यूट्यूब पर हमने काफ़ी वीडियोस डाले हुए हैं और हर जगह कोशिश है कि हम कैसे ये लोगों को जो फेथ है उसके साथ हम कैसे कनेक्ट कर पाएँ कैसे हम जोड़ सकते हैं उनको वो चीज़ जो हमारे इंडियननेस में खास करके जुड़ी हुई है सबसे. शिमारू के बारे में तो आप सब जानते हैं हम 55 साल पुरानी कंपनी है और फिल्म बेस्ड है लेकिन पिछले 10 सालों में हमने डिवोशन में बहुत कुछ काम किया हुआ है और इसी दौरान हमारी मुलाकात सलमान जी से हुई और इन्होंने अजमेर शरीफ का जो हमारे साथ टाई अप किया है वो मैं समझता हूँ कि ये पूरी इस्लामिक कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी एक नेक्स्ट स्टेप है क्योंकि मोबाइल फ़ोन आज डिजिटल मीडियम आज हर एक लोगों के हाथ में है तो ये लेके हम अजमेर शरीफ की कई सारी चीज़ें हैं जो मैं डेफिनेटली वीडियो में आपको दिखाऊंगा लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि
कैसे हम लोगों के हाथों में, घरों में और दिलों में ये फेथ पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए हमने काफ़ी सारी हमारी टीम ने जद्दोजहद की है और कोशिश की है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके लोगों को जो सुकून चाहिए करना चाहूँगी मिस्टर चिश्ती जी से कि प्लीज़ वो स्टेज पर आए और शिमारू एंटरटेनमेंट के साथ उनका एसोसिएशन और इस इबादत ऐप के बारे में हम सभी को बताएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आदाब सलाम और आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद के साथ यहाँ पे खैर मकदम करते हैं और शिमारू के जितने यहाँ पे ज़िम्मेदार अहदेदार यहाँ पे बैठे हैं इन सबको मुबारकबाद देते हैं कि आज 7 रमज़ान और इस मुकद्दस महीने में जो आप सब का एक विजन था, जब कुछ महीने पहले आपसे मुलाकात हुई, बात हुई अजमेर शरीफ, जब आप लोग आए, आपकी टीम के लोग वहाँ पे आए, तो उस वक्त जो हमारा नज़रिया था कि चिश्ती फाउंडेशन 10 साल से वी हैव बीन वर्किंग टूअर्ड्स टेकिंग द मैसेज ऑफ इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड, तो पिछले 10 सालों से करीब 40 मुल्कों के अंदर अजमेर शरीफ के साथ हमारे देश हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करी और हमेशा मुसलसल ये कोशिश रहती थी कि किस तरह हम एम्पलीफाई कर सकते हैं इस मैसेज को, जो मैसेज सिर्फ लोगों के जहनों में नहीं है लेकिन दिलों में है। आज इन द 21st सेंचुरी व्हेन वी आर यूजिंग अ टेक्नोलॉजी व्हिच इज़ वेरी हैंडी, ऑलमोस्ट एवरी टाइम व्हेन वी लुक अराउंड पीपल आर मूविंग अराउंड विद देयर मोबाइल्स, उसमें कुछ काम की चीज़ें हैं, अपने बिजनेस के लिए भी लोग हैं, लेकिन अगर हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकें कि विद दिस एक्सेस टू टेक्नोलॉजी विद इन द हैंड देयर हार्ट्स कैन फील अ कंटेंटमेंट। काफ़ी लोग हैं जो अजमेर शरीफ बारगाह के अंदर ख्वाजा गरीबनवाज की बारगाह में हाजिर भी हुए और काफ़ी लोग ऐसे जो ख्वाहिशमंद हैं कि वहाँ पर अगर बुलावा हो तो हाज़िरी दें। तो जब शिमारू की तरफ से प्रपोज़ल आया कि इस तरीके से हम लोगों को तक एम्पलीफाई कर सकते हैं और इट वॉज़ इन परफेक्ट लाइन वॉट चिश्ती फाउंडेशन एंड वी हैव बीन डूइंग फ्राम लास्ट 10 ईयर्स, कि किस तरीके से इस पैगाम को और जो ख्वाजा साहब का पैगाम था कि लव टुवर्ड्स ऑल एंड मलाइज टुवर्ड्स नन, मोहब्बत सबसे और नफरतें किसी से नहीं, यही हमारे देश हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक ताकत भी है जिसको हम कहते हैं गंगा जमनी तहजीब और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो विद दिस प्लेटफॉर्म आने वाले वक्त में भी देयर विल बी अपग्रेड्स, मुझे जहाँ तक बताया गया है कि अभी लाइव व्यू शुरू हुआ है, उसके बाद भी जो अपग्रेड्स होंगे और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में जिसके पास भी अगर ये लिंक जाएगा जो एम्पलीफाई करेंगे, अभी कुछ दिन पहले हम न्यूयॉर्क में थे, वहाँ मैंने इसकी बात करी तो पीपल वर ऑलरेडी एक्साइटेड कि हम आना चाहते हैं गरीबनवाज की बारगाह में, लेकिन आने के पहले अगर कोई ऐसा ज़रिया, क्योंकि रोज़ हमारी बारगाह गरीबनवाज में दुआएं रोशनी होती है शाम के वक्त और सुबह जब दरबार शरीफ खुलता है उस वक्त दुआएँ होती हैं, मुसलसल 5 वक्त जो नमाज होती है उसको भी इस ऐप के ज़रिए अगर लोग किसी भी दुनिया के कोने में बैठ के देखते हैं तो उनके दिल को एक सुकून मिलता है। और शिमारू की जो डेडिकेटेड टीम है उनसे मैंने उनको यही कहा था कि आप अपने काम को अपना जिक्र बना लें, मेक योर वर्क योर मेडिटेशन, देन इट विल बी बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन कि हम इसको किस लेवल पे लेके जा सकते हैं। उसी के ज़रिए आज जब हम लोग यहाँ मिले हैं, इसका ऑफिशियल लॉन्च हो रहा है, आज ऑफिशियल लॉन्च है, मैं जब दिन में हमारी मीटिंग थी ऑफिस में मैंने कहा कि इसका स्पिरिचुअल लॉन्च अजमेर शरीफ में कल हो गया है, क्योंकि कल छठी शरीफ थी एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हुआ इन अजमेर शरीफ, जो इसका लिंक हमें मिला था तो काफ़ी करीब 150 लोगों ने उसको डाउनलोड करा एंड दे वर प्लेजेंटली सरप्राइज कि जब हमारा बुलावा होता है जब तो आते हैं, लेकिन कभी भी अगर दिल करे कि बारगाह गरीब नवाज को देखें या वहाँ की आवाज़ सुने, कवाली सुने, उसको देख सके, तो हम अपने मोबाइल के ऊपर जो दिन भर यूज़ करते हैं उसके ज़रिए भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक ये ज़रिया है लेकिन सुकून दिल को मिलेगा, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक। वक्त की थोड़ी कमी है और मेरे ख़्याल से इफ्तार का भी वक्त होने वाला है और कुछ और लोग भी हैं जो अपनी इजहार करेंगे, ही ना मैं यहाँ पे हैं, तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशन अगेन एंड वी एक्सटेंड अनकंडीशनल सपोर्ट एंड अनकंडीशनल लव फ्रॉम अजमेर शरीफ फॉर ऑल द इनिशिएटिव दैट शिमारू एंड ऑल द एसोसिएटेड प्लेटफॉर्म विल बी डूइंग
इन नियर फ्यूचर इन टुडेज टाइम. यहाँ पे प्रेस के लोग भी आए हुए हैं, तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि आप भी वो माध्यम बने, बिकॉज यू आर द मीडियम दैट विल टेक इट टू द पीपल. आपके हाथ में कलम है. मेरे जितने भी जर्नलिस्ट दोस्त हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि आपके हाथ में एक मुकद्दस अमानत है. कुरान शरीफ में आयत में अल्लाह ताला ने कलम पे कसम खाई है, वल कलम वल इंसी. तो आप लोगों के हाथ में वो मुकद्दस अमानत के जब आप लिखें तो लोगों के दिल बदल सकते हैं. तो ये पैगाम लेके जाएं ये दुआ के साथ कि जो भी आप लिखें जहाँ तक ये बात पहुँचा सकते हैं मोहब्बत की, उसको पहुँचाएँ. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड अगेन कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर शिमारू टीम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच चिष्टी जी. एंड विद दैट फाइनली द टाइम हैज कम. जिनके ढेर सारे फॉलोअर्स हैं, ढेर सारे फैंस हैं, इट्स टाइम दैट वी कॉल द क्वीन ऑफ टेलीविजन हियर ऑन स्टेज. सो बिना इंतज़ार नहीं करते हैं और उन्हें यहाँ पे स्टेज पर बुलाते हैं. एंड लेट मी टेल यू, आप सभी की तो वो फेवरेट है ही, विच शी इज़ माई पर्सनल फेवरेट टू. सो विद दैट, विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, लेट अस कॉल हीना खान. यू आर ऑन द स्टेज विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एंड शी विल बी शेयरिंग हर वर्ड्स एज टू व्हाट शी फील्स अबाउट द लॉन्च ऑफ दिस एक्साइटिंग ऐप. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस सबसे पहले शिमारो, मिस्टर चिश्ती, आप लोगों का एसोसिएशन, आप लोगों के एसोसिएशन की वजह से आज हम यहाँ पर हैं और आज एक इतनी अच्छी पाक चीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं. एंड वी ऑल नो वी आर हियर टू लॉन्च दिस app called Ibadat. I'd like to thank Shimaro for having me today, and it's a pleasure to be associated with people like you who are into this business since 5 decades, one of the leading content aggregators and what not. I mean, bahut sari cheeze hain jo main bol sakti hu, but unke bare mein mere bolne se ya kisi ke bolne se kuch nahi hai. It's there everywhere what Shimaro is. So I'd like to thank you all for having me. आज अगर हम बात करें, आज हम यहाँ पर इस वक्त इबादत ऐप लॉन्च के लिए हैं. देखिए, जब मुझे इस बारे में पता चला, व्हेन आई गॉट टू नो एंड आई वाज अप्रोच्ड दैट देयर समथिंग लाइक दिस हैपनिंग, माय फर्स्ट थॉट वाज हिना, आई हैव टू डू दिस. व्हाई? बिकॉज वी एज सेलिब्रिटीज, एज एक्टर्स और अ पब्लिक फिगर, टू बी वेरी प्रिसाइज, हम कोशिश करते हैं अपने ज़रिए आम लोगों तक पहुँचने की, आम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने की कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए. कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं, कभी कभी सही भी होते हैं, और हमारे पास शायद वो ताकत है जिससे लोग हमारी बात सुनते हैं. तो आज मेरा यहाँ आना और मुझे यहाँ पर इनवाइट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं ये आम लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ. स्पेशली माई मदर, शी इज़ नॉट हियर बट आई नो वो सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड करेंगी और वो लाइट फीड देखती रहेंगी. बिकॉज दिस, ये जो एक बहुत सारे फीचर्स हैं, बट ये एक फ़ीचर मुझे भी अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज मैं खुद अजमेर शरीफ दरगाह की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ और काफ़ी सालों से, इनफैक्ट सिंस चाइल्डहुड, मैं अपने फैमिली के साथ अजमेर शरीफ जाती थी. अभी 2-3 साल पहले भी गई थी. अगेन आई विल से, टाइम ना होने की वजह से, टाइम कंस्ट्रेंट्स होने की वजह से, यूजुअली यू डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट अजमेर शरीफ दरगाह एवरी ईयर, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो. तो आई थिंक यही एक चीज़ है जो मैं सीधे शब्दों में कहूँ, शिमारो ने ख़त्म कर दी है, जहाँ पर आप ये नहीं कह सकते, यू कॉन्ट मेक दिस एक्सक्यूज ऑफ सेइंग आई डोंट हैव टाइम. सो यू हैव टू मेक टाइम, बिकॉज नाउ इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स. यू जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन एंड यू can do whatever you want, whether you want to offer a chadar, flowers, or offer deg, या फिर अगर आप लाइव फीड देखना चाहें, आप हमेशा हर टाइम देख सकते हैं. मैं खुद भी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से मानती हूँ अजमेर शरीफ दरगाह को, तो मेरे लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी. एंड स्पेशली इन दिस होली मंथ ऑफ रमदान, इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती थी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. We'll talk more about it, by the way. So I don't want to take much time, but we'll definitely talk more about the app and the features. Till then, you all stay connected and you please take it forward. Thank you so much. Yeah.
Thank you so much, Hina. I would request you to please stay on stage. All right. And now I would request Mr. Gada and Chishti ji to please come on stage. And we have come at the moment jis पल का जिस घड़ी का हम सभी जने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो मोमेंट आ चुका है बिकॉज नाउ इट्स टाइम दैट वी अनवील द मोस्ट अवेटेड ऐप दैट इज इबादत सो वी विल बी हैंडिंग ओवर द एंड्रॉयड फोन टू हीना या सो वी विल बी शोइंग यू एज टू हाउ कैन यू यूज द ऐप So this is how the app looks like and there are variety of hosts and you can offer flowers also but today Hina is going to book a chadar and finally that's how you book it just with a click congratulations Hina your chadar has been booked successfully well ladies and gentlemen Shimaru has done an excellent job that just at the tip of a finger you can offer a chadar come on let's give a huge round of applause once again for Shimaru entertainment thank you so much I would request you all to please settle down and take your seats So now we're going to have a small AV on as to how the Ibadat app looks like, its key features. So I would request you all to please take a look at the screen. Thank you. I would also request Mr. Atul Maru to please join them on stage. Okay, so now the floor is open for the media and all our guests to ask questions. And I would request all of you all to please ask only app-related questions. Thank you so much, Mr. Atul Maru. So the floor is open for all of you all to ask questions. Once again, I would request you all to please ask only app-related questions and avoid asking irrelevant questions. Thank you. ये सवाल हिना से है. हाय हिना पीछे सोनल, this side. हिना इबादत की बात आपने की आपने कहा बहुत ज़बरदस्त फॉलोअर हैं तो क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़ो ही हैं आपका टाइम स्केड्यूल इस तरह का रहता है तो पांच वक्त की नमाज़ आप क्या पढ़ पाती हैं क्या वो सारी चीज़ें रमज़ान के रोज़े ये सारी चीज़ें आप रख पाती हैं देखिए बहुत बार ऐसा होता है मैं नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल पाँच वक्त नमाजी हूँ लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है आई मेक श्योर जैसे रमज़ान है अभी रिसेंटली आई हैड मेरे लिए भी एक टेस्ट था मैंने मेरे सोशल मीडिया पे शेयर किया था कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप शेयर करते हैं तो शायद एक दिखावा है या कुछ है बट हम एज पब्लिक फिगर्स ये सोचते हैं कि शायद हमारे शेयर करने से किसी के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए चाहे वो दो लोगों में आए या दस लोगों में आए मेरे वो वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि मैंने आई एक्सरसाइज एवरी डे आई वर्कआउट एवरी डे एंड आई मेड श्योर कि मैं पानी ना पी के और अपने प्रोटीन्स ना लेके भी वर्कआउट कर सकूँ आई केप्ट इट लाइट
बट आई मेड श्योर दैट आई डू इट. मेरा जब भी रोज़ा होता है अभी तक जितने भी रोज़े मैंने रखे. और जहाँ तक नमाज की बात है हमारे मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगी लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि हमारे रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की रियायत है. मिस्टर चिश्ती भी इस बात पे अग्री करेंगे कि हम अगर कहीं पे फंसे हुए हैं, ट्रैवल हैं, सफ़र कर रहे हैं तो हम इशारों में भी नमाज अदा कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक जगह या कोई स्पेसिफिक टाइम या टाइम डेफिनेटली बट स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत नहीं है. तो आई थिंक इट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस. क्योंकि आपने कहा ना कि जो आप सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो आप जो कहते हैं वो लोग फॉलो करते हैं. जी इसीलिए मेरा सवाल था क्योंकि आप अगर खुद अमल करते हैं तो सामने वालों डेफिनेटली अमल करते हैं. ऑफ कोर्स अमल करते हैं. हाय दिस इज उसामा हियर फ्रॉम IWM बस. माय क्वेश्चन इज टू हिना. जैसे कि हम टिपिकली देखते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए प्यार में रोजे रखते हैं, तो क्या रॉकी आपके लिए रोजे रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. वेल द क्वेश्चन इज वेरी इरेलेवेंट बट आई स्टिल लाइक टू आंसर दिस. ही डजंट, कभी नहीं हुआ है ऐसा. आई मीन वो ही कांट स्टे विदाउट वाटर. ओके, रमज़ान काफ़ी बरकत का महीना होता है, तो ऐसी कोई यादें रमज़ान से आपकी जुड़ी हुई हों जो आप शेयर करना चाहेंगे? रमज़ान से तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं. बचपन से लेके आज तक आई थिंक रमज़ान में आप जब रोज़े रखते हैं काफ़ी लंबा, और अब तो गर्मियों में और भी मतलब डिफ़िकल्ट होता जा रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जब आप साफ पाक नियत से अगर रोज़ा रखें तो आपको आसानी होती है. गॉड रियली हेल्प्स यू. आई फील, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कहीं ना कहीं आप में वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप रोज़े रखते हैं. लेकिन बचपन में अक्सर ऐसा होता था कि एक छोटा सा, इट्स सिली बट आई लाइक टू शेयर कि मी एंड माई ब्रदर लाइक वी यूज़ टू जानबूझ के सोने की एक्टिंग करते थे रोज़ा नहीं रखने के लिए. नहीं रखना है रोज़ा जब हम 5-6 साल के थे. तो 5-6 साल के टाइम से ही घर में ऐसा होता था कि कोशिश करो. कोई प्रेशर नहीं था मेरे घर में, कभी भी प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि नहीं तुम्हें रोज़ा रखना है. इट वॉज़ ऑलवेज कि नहीं रख पाई तो तुम पानी पी लेना, खाना खा लेना आधे दिन बाद, बट ट्राई. सो आई थिंक दैट इज़ हाउ इट इज़ विद, इट इज़ इन मी दैट आई ऑलवेज ट्राई. वो अब तो खैर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, पर ऐसे बचपन की यादें हैं जहाँ पर वी यूज़ टू एक्ट स्लीपी एंड सो दैट वी कैन अवॉइड फास्टिंग. आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और अब इबादत भी ऑनलाइन हो गई है, तो किस तरह से आप इसको देखती हैं? कहाँ से ये थॉट कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से आया इबादत ऐप का? वेल, थॉट कहाँ से आया? जैसे सलमान जी ने बताया कि वर्ल्ड अभी डिजिटल हो गया है और हाथ में आ गया, एवरीथिंग इज़ इन द हैंड हेल्ड. तो ये थॉट हम लेके चले, इनफैक्ट आई वुड से कि 10 साल से ये थॉट लेके चले थे हम लोग कि कैसे हम इसी के अंदर हम लोगों को जो फेथ के साथ जो कनेक्ट है वो कैसे हम दे पाए. क्योंकि जैसे अगर अजमेर शरीफ है तो लोग रोज़ जा नहीं पाते हैं वहाँ पे, या जब भी बुलावा आता है तभी वो जा पाते हैं. लेकिन अगर वो एक्सेस है उनको तो शायद वो दिन में दो बार उसको एक्सेस करके उस अपने जो सुकून है उनको जो चाहिए वो ला सकते हैं. इतने साल जब भी बैंडविड्थ कम थी इंडिया में तो तभी ऑडियो के थ्रू हम लोग एक्सेस देते थे इनिशियली, और फिर धीरे धीरे सो SMS ऑडियो अलग अलग तरीके से एक्सेस होता था. लेकिन अभी जो बैंडविड्थ बढ़ी है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वीडियो के थ्रू एंड दैट टू लाइव, क्योंकि बैंडविड्थ इसमें बहुत मतलब काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी इसमें जाती है लाइव एक्सपीरियंस देने में. तो वो पूरी जो एक्सपीरियंस है वो अभी पॉसिबल है क्योंकि इंडिया में अभी ब्रॉडबैंड का अच्छा खासा फैलाव हो गया है. तो इसलिए हमारी कोशिश तो यही है कि ऑडियो विजुअल की जो इम्पोर्टेंस है जो एज अ मीडियम, तो वो हाईएस्ट एक्सपीरियंस हम कैसे दे पाएँ. एंड एज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स डेफिनेटली द एक्सपीरियंस ऑल्सो फर्दर विल इम्प्रूव. लर्निंग के जो इसी बात को आगे रखते हुए देखिए, विजुअल लर्निंग जो है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम. एक होता है कि हम एक स्पीच दे दें, एक तकरीर कर दें, लेकिन इसके साथ साथ देखें वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ एग्जीबिशंस ऑन इस्लामिक हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर. दरगाह शरीफ में भी हमने पिछले 10 सालों से सूफी रंग फेस्टिवल को इसी नज़रिए से शुरू करा था कि जिस बात को हम समझा नहीं सकते लेकिन दिखा के
लोगों को महसूस कर सकते हैं इस तरीके से अलग अलग मुख्तलिफ ज़बानों से जो लोग बात करते हैं बाहर हिंदुस्तान के बाहर भी हम जाने लगे तो वी स्टार्टेड टेकिंग दोज इमेजेस ऑफ अजमेर शरीफ एंड हैविंग एन एग्जीबिशन सो पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट तो विजुअल लर्निंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम और आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है वाई नॉट टू यूज इट फॉर द बेटर ऑफ द सोसाइटी एंड इट विल ऐड टू द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एक्सेस काफ़ी मरतबा हमें नहीं मिलता एक्सेस तो लोग कन्फ्यूज होते हैं और फिर उनको पता नहीं रहता है कि सही बात क्या है और गलत बात क्या है बट वैन वी हैव द मीडियम टू कम्युनिकेट एट वन टाइम विद मिलियंस ऑफ पीपल आई थिंक दिस इज वन ऑफ द आइडियाज टू गेट डिजिटल ओके मेरा सवाल सलमान से सही है जैसे कि हम जब दरगाह में जाते हैं और जब चादर चढ़ाते हैं तो उसका एक अलग सेटिस्फैक्शन होता है जब आप पर्सनली आप जाके चढ़ाते हैं तो ऑनलाइन जब हम पैसे पे करके चादर चढ़ाएंगे तो वो सेटिस्फैक्शन वो कनेक्ट ऑडियंस के साथ आपको क्या लगता है वो आएगा भाई देखिए यही बात है कि जब बुलावा होगा तो लोग पहुंचते हैं वहाँ पे सो दिस इज़ नॉट अ होल एक्सपीरियंस इट इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्टरी एक्सपीरियंस ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिस इज़ अ कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ टू बी इन अजमेर शरीफ और टू बी एनी स्पिरिचुअल प्लेसेस इट इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन टू व्हाट अजमेर शरीफ इज़ अबाउट अजमेर शरीफ में क्या रिवायतें हैं वहाँ की क्या तहजीब है और वहाँ की क्या कल्चर है तो जब आप पहला स्टेप लेंगे जिसको बिल्कुल पता नहीं है अजमेर शरीफ के बारे में अगर दे आर इंट्रोड्यूस और जब ख्वाजा साहब का बुलावा देखें कोई ऐप एक ज़रिया है लेकिन जब बुलावा होगा जब भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं तो इसी के ज़रिए अगर लोगों को हम टच कर सकते हैं वी कैन रीच आउट टू द पीपल विद द मैसेज अ पॉजिटिव मैसेज तो दैट विल बिल्ड अप इवेंचुअली बाय पीपल हैविंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो और यह हकीकत बात है कि जो इंसान का ज़ाती एक एक्सपीरियंस होता है पर्सनल एक्सपीरियंस दैट इज़ समथिंग विच नथिंग कैन रिप्लेस बट देर इज़ अ मीन्स टू दैट एंड सो दिस एप्लीकेशन इज़ अ मीन्स टूवर्ड दैट ग्रेटर एंड I'll just add one more point over here कि while it is not the 100% experience, लेकिन क्या होता है कि एक कई समय ऐसा होता है कई बार कि हम life में daily life में कई situations ऐसी आती हैं कि हमको उस समय वो need होती है वो एक faith होती है वो need होती है तो तभी हम हो सकता है तभी हम नहीं जा पाते हैं लेकिन हमने वो जो उसकी उस faith से जो हमको वो करना है वो जो एक्ट करनी है चादर चढ़ानी है या इनफैक्ट एक बहुत अच्छी सर्विस है इसके बारे में भी मैं एक मिनट समझाऊंगा मन्नत के बारे में तो वो हम इस ज़रिए से कर सकते हैं और फिर जब भी हमारा जब समय आएगा जाने का जो बुलावा आएगा तो हम उस वक्त जा पाएंगे तो मन्नत जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्विस है क्योंकि अगेन अजमेर शरीफ और मन्नत मतलब इट्स वन लोग बड़ी बड़ी मन्नतें लेके अजमेर शरीफ जाते हैं तो इसलिए हमने अगेन एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक मन्नत सर्विस इसमें इंक्लूड करी हुई है ऐड करी हुई है कि जो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आपकी मन्नत है और वो प्ले आउट होगी वहाँ पर तो दैट इज़ द बेस्ट वे दैट योर वॉइस कैन रीच देयर तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है तो यस ये वहाँ जाने का एक्सपीरियंस डेफिनेटली अलग है लेकिन दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट इज पॉसिबल दैट्स हाउ आई वुड से करा जी सोनल दिस साइड आपसे सवाल है इसमें अभी एक सेकंड में इनमें जो पूछा था इन्होंने देखिए अभी भी वी आर डूइंग दिस इंडिविजुअली ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है दिस इज नॉट अ एंटायरली न्यू थिंग बट अभी हम इंडिविजुअली करते हैं छठी शरीफ होती है कभी होता है तो लोग कहते हैं भाई हमें जरा अपना फ़ोन ऑन कर लें कभी फ़ोन आ जाता है किसी का कोई दुआ हो रही है सो पीपल आर स्टिल लॉन्गिंग टू हैव सम काइंड ऑफ कनेक्शन टू अजमेर शरीफ इन वॉट एवर वे दे कैन गेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम कभी रात को भी मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई इसलिए दुआ कर दीजिए हमारे पास ये मसला हो गया कोई मसले मसाइल इंसान के साथ होते हैं दिल का सुकून नहीं है कोई भी आप मरहले से गुजर रहे हैं तो पीपल स्टिल कॉल एट द मिडल ऑफ द नाइट ऑल्सो कि आप हमारे लिए जाके दुआ कर दें सो दिस विल गिव अनदर ऑप्शन दैट पीपल कैन कनेक्ट इन अ वे टू रीच आउट टू द प्रेजेंस ऑफ ख्वाजा गरीब नवाज गाना जी मेरा सवाल था कि ऑब्वियसली ये ऐप है और ढेर सारी सर्विसेज यहाँ पर आप लोग दे रहे हैं घर बैठे लोग अपनी मन्नतें भी पूरी कर सकते हैं दर्शन भी कर सकते हैं ऑफरिंग्स भी दे सकते हैं क्या तकरीबन क्या कॉस्ट होगा इसका प्लस एक और सवाल साथ में जुड़ा हुआ है कि क्या जो भी कमाई होती है जो भी ऑफरिंग्स दे रहे हैं लोग उसका कुछ हिस्सा लोगों की मदद के लिए जाएगा या अजमेर शरीफ दरगाह में डोनेट होगा वो भी बताइए दोनों चीज़ें सो द मेन ऐप जो है ये फ्री है इसमें कोई कॉस्ट नहीं है एक्सेस टू द मेन ऐप इज़ कम्प्लीटली फ्री इसमें अगर आपने कोई सर्विस अवेल की है तो सर्विस की जो नॉमिनल कॉस्ट है वो कॉस्ट रहेगी उसमें से
जैसे चद्दर वगैरह है, तो वो अल्टीमेटली दरगाह शरीफ पर ही वो पेश होती है और वो पैसा दरगाह शरीफ में जाता है। आपने अगर डोनेशन दिया है तो डायरेक्टली वो पैसा वी विल पास ऑन टू द दरगाह शरीफ एंड यू विल गेट द दरगाह शरीफ से आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट वगैरह मिल जाएगी। तो इसीलिए आपको तबरुक वहाँ से उस तरह वहाँ से मिलेगी। तो मेन जो ऐप है ये कम्प्लीटली फ्री है। थैंक यू सो मच। वी विल हैव मोर वन ऑन वन क्वेश्चंस ऑन द राउंड टेबल, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू प्लीज स्टे विद अस फॉर इफ्तार एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेटल डाउन एंड टेक योर सीट्स। इफ्तार का टाइम हो रहा है, सो ऑल्सो वी हैव नमाज रूम आप सबके लिए रेडी की गई है। जस्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कि आप सब लोगों ने सवाल भी पूछा था कि 100% सेटिस्फैक्शन, जहाँ तक 100% सेटिस्फैक्शन की बात, आई लाइक टू टेल यू कि जब वहाँ से बुलावा आता है, मैं इस बात को बहुत ही ज़्यादा दिल से मानती हूँ, बिकॉज मैं बचपन से अजमेर शरीफ दरगाह जाती आई हूँ। जब वहाँ का बुलावा होता है तो आप जाते ही जाते हैं, तब कुछ कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी, कोई भी चीज़, कोई भी रुकावट नहीं आएगी। बट तब तक के लिए, क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल है एंड वी आर सो बिजी इन आवर लाइव, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी और यू, आप मीडिया से बिलोंग करते हैं और मैं शूटिंग में बिजी होती हूँ, एवरीवन, आई गेस एवरीवन इज सो ऑक्यूपाइड विद देयर वर्क नाउ। और आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पर आप, आई मीन आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे बाई दिस फीचर ऑफ इबादत ऐप, द लाइव फीचर। ओके, इबादत की बात करें तो डिवोशनल म्यूजिक भी है। राजेश की बोलने का, राजेश मैं गाती हूँ भाई, सिर्फ सुनने की बात नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट आई सिंग, लाइक सिंग ऑल द फिल्म सॉन्ग्स, आई समटाइम्स सिंग दैट शरीफ एज वेल व्हेन आई एम अलोन एंड आई फील, आई मीन आई रियली फील गुड। ओके मैम, क्या मैसेज देना चाहिए, रमज़ान का महीना है, लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि गलत काम ना करें, कुछ आपके तरफ से आपके साथ? रमज़ान का महीना ओनली और गलत काम, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। आई थिंक हमको कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, इसका रमज़ान के महीने से कोई लेना देना नहीं है। रमज़ान बेसिकली एक बहुत बड़ा टेस्ट है हम सब के लिए, जहाँ पर आपको पूरे साल की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें, आप खाना पीने पे कंट्रोल रखें या फिर गलत काम ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो महीने में नहीं करना है, रमज़ान के महीने में नहीं करना है। इट्स बेसिकली अ ट्रेनिंग, अ सीख फॉर एवरी वन टू कंटिन्यू विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। आपके जो फर्स्ट पिक्स आया था आपका रमज़ान के महीने के फर्स्ट डे का, उसको लेकर आपके फैन काफ़ी खुश हुए, तो उसको कुछ कहना चाहिएगा? आई थिंक हम जो भी करते हैं अपने फैंस को खुश करने के लिए करते हैं। एवरीवन वाज आस्किंग मी अबाउट रमज़ान, अपने रमज़ान विश में क्या रोज़ा रख रही हैं या नहीं, तो
लोग जब पहला रोज़ा था सहरी के टाइम पे आई क्लिक्ड अ पिक्चर स्पेशली फॉर देम एंड पोस्टेड इट एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी. सर रिलीजियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रिलीजियंस में जैसे कि चादर है जो भी कॉस्ट आएगा उसका कोई डोनेशन अमाउंट गरीबों के लिए जाएगा या मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी बैकवर्ड है एजुकेशन हो या गर्ल्स के एजुकेशन हो काफ़ी बैकवर्ड है तो क्या आपके ऐप से कुछ आपके तरफ से कोई डोनेशन जाएगा अलग से कि उनके लाइफ बेटर हो? जी जी बिल्कुल. ये चिश्ती फाउंडेशन जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है. चिश्ती फाउंडेशन सलमान चिश्ती जो राजा चिश्ती की है तो राजेश केबल लगा जो जो भी डोनेशन चक्कर वगैरह के है कि वो पूरा चिश्ती फाउंडेशन को दिया जाएगा. तो वहाँ से काफ़ी काम हो रहे हैं जो गरीब नवाजों के लिए गरीब मतलब गरीब और जो मुस्लिम ऑडियंस है गरीब उनके लिए काफ़ी काम हो रहे हैं. ओके. और ना जैसे आपने चादर बुक किया चादर आपने बुक कर दिया पर चादर कहाँ तक पहुँच रहा है वो चढ़ रहा है या नहीं चढ़ा इसकी अपडेट आप ये ऐप के थ्रू आपको मिलेगी और वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको रिसीट भी मिलेगी फाउंडेशन से रिसीट मिलेगी कि ये चादर चढ़ गई है चढ़ चुकी है आपके नाम से दी जाएगी. अच्छा हीना इस ऐप का पार्ट बनिए आप जब भी कुछ करती हैं हमेशा आपके फैंस स्क्रॉल करते हैं आपको किसी भी चीज़ के लिए जैसे आपने रमजान भी विश किया उसके लिए भी आपको बहुत आई तो इस ऐप को आपने लॉन्च किया आप लग रहा है कि आपके फैंस इसके लिए आपको स्क्रॉल कर सकते हैं या इसके लिए भी आप तैयार हैं? आई थिंक वो एक कहावत नहीं है कि जब आप जितना ऊपर जाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है लोग आपके बारे में वो कहते हैं ना जब लोग आपके बारे में बात करना शुरू करते तो समझ लीजिए कि आप ऊपर जा रहे हैं कामयाब हो रहे हैं. और कामयाब होना सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ कामयाब हुए या जहाँ पर हम हैं दैट्स दी एंड हमको आगे बढ़ना है लाइफ में. अगर हम ये याद रखें कि लोग क्या बोलते हैं लोग क्या कहेंगे या ट्विटर पे क्या होता है या सोशल मीडिया पे क्या होता है आई थिंक वी ऑल विल हैव टू सिट बैक होम एंड डू नथिंग. सो इट रियली डजंट अफेक्ट मी आई एम वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनीवे सोशल मीडिया इज फेसलेस कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है आपको भी पता है मुझे भी पता है. सो इट्स बेटर दैट वी शुड नॉट रियली थिंक अबाउट इट एंड मूव ऑन इन लाइफ. मेमोरीज है बचपन की जैसे कि आपने बोला कि आप 5 साल की उम्र से जा रहे हैं अजमेर के फॉलोअर हैं आपको ऐसी कोई मेमोरीज है जो आपको याद आती है? अजमेर शरीफ यूजुअली हम जाते थे बचपन में आई थिंक हम विंटर्स में जाते थे. एक बहुत बड़ा रीजन विंटर्स में जाने का ये भी होता था टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड होती थी तो एक ये भी होता था कि विंटर्स में जाएंगे अजमेर शरीफ में हमारे दर्शन भी हो जाएंगे एंड प्लस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको भी आराम मिलता है. एंड अजमेर एनी वेज इज सो ब्यूटीफुल और दरगाह में जो आपको सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है. मैंने अपनी आंखों से देखा है ऑल दीज इयर्स आई हैव बीन देयर people from different countries all over the world come there and pray so that's like amazing and it's just aap wahan jayenge to aapko pata chalega Ajmer Sharif ek bahut bahut powerful achhi jagah hai. Okay baat karenge aapki sawal ka aapki sawal are 2 second aapki sawal कोई नहीं देता यार मैं जब मैं रोन क्या कह रहा हूँ आप मैं खुद यहाँ पे खड़ा हूँ मैं आपको बोल दूँगा आवाज बंद रखो और देख कर रहे हैं गाइस कैन यू ऑल प्लीज बी अ लिटिल बैक देयर देयर बीइंग प्रेयर थोड़ा सा पीछे प्लीज थोड़ा सा हाँ
ये क्या बेटू जरा अमोल और भी किसी का भी रोजा है तो बता दीजिए। किसी को लेना हो तो बता दीजिए। बिलाल बिलाल खजूर पैसा भाई बिलाल खजूर ले। थोड़ी कमी है और मेरे ख्याल से इफ्तार का भी वक्त होने वाला है और कुछ और लोग भी हैं जो अपनी इजहार करेंगे। हिना मैन यहाँ पे हैं तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। कंग्रेचुलेशन अगेन एंड वी एक्सटेंड अनकंडीशनल सपोर्ट एंड अनकंडीशनल लव फ्रॉम अजमेर शरीफ फॉर ऑल द इनिशिएटिव दैट शिमारू एंड ऑल द एसोसिएटेड प्लेटफॉर्म विल बी डूइंग इन नियर फ्यूचर एंड टुडेज़ टाइम। यहाँ पे प्रेस के लोग भी आए हुए हैं तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि आप भी वो माध्यम बने बिकॉज यू आर द मीडियम दैट विल टेक इट टू द पीपल। आपके हाथ में कलम है। मेरे जितने भी जर्नलिस्ट दोस्त हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि आपके हाथ में एक मुकद्दस अमानत है। कुरान शरीफ में आयत में अल्लाह ताला ने कलम पे कसम खाई है वल कलम वल इंसी। तो आप लोगों के हाथ में वो मुकद्दस अमानत कि जब आप लिखें तो लोगों के दिल बदल सकते हैं। तो ये पैगाम लेके जाएं ये दुआ के साथ कि जो भी आप लिखें जहाँ तक ये बात पहुँचा सकते हैं मोहब्बत की उसको पहुँचाएं। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया एंड अगेन कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर शिमारू टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चिश्ती जी। एंड विद दैट फाइनली द टाइम हैज कम जिनके ढेर सारे फॉलोवर्स हैं, ढेर सारे फैंस हैं, इट्स टाइम दैट वी कॉल द क्वीन ऑफ टेलीविजन हियर ऑन स्टेज। सो बिना इंतज़ार नहीं करते हैं और
उन्हें यहाँ पे स्टेज पर बुलाते हैं. एंड लेट मी टेल यू, आप सभी की तो वो फेवरेट है ही, विच शी इज माई पर्सनल फेवरेट टू. सो विद दैट, विथ अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, लेट अस कॉल हीना खान. यू आर ऑन द स्टेज विथ अ ह्यूज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, एंड शी विल बी शेयरिंग हर वर्ड्स एज टू व्हाट शी फील्स अबाउट द लॉन्च ऑफ दिस एक्साइटिंग ऐप. Working? Yeah. Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस सबसे पहले शिमारो, मिस्टर चिश्ती, आप लोगों का एसोसिएशन, आप लोगों के एसोसिएशन की वजह से आज हम यहाँ पर हैं और आज एक इतनी अच्छी पाक चीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं. एंड वी ऑल नो वी आर हियर टू लॉन्च दिस app called Ibadat. I'd like to thank Shimaro for having me today. It's a pleasure to be associated with people like you who are into this business since 5 decades. One of the leading content aggregators and whatnot. I mean, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल सकती हूँ, but उनके बारे में मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कुछ नहीं है. It's there everywhere what Shimaro is. So I'd like to thank you all for having me. आज अगर हम बात करें, आज हम यहाँ पर इस वक्त इबादत ऐप लॉन्च के लिए हैं. देखिए, जब मुझे इस बारे में पता चला, व्हेन आई गॉट टू नो एंड आई वाज अप्रोच्ड दैट देयर समथिंग लाइक दिस हैपनिंग, माय फर्स्ट थॉट वाज हीना, आई हैव टू डू दिस. व्हाई? बिकॉज वी एज सेलिब्रिटीज, एज एक्टर्स और अ पब्लिक फिगर, टू बी वेरी प्रिसाइज, हम कोशिश करते हैं अपने ज़रिए आम लोगों तक पहुँचने की, आम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने की कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए. कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं, कभी कभी सही भी होते हैं, और हमारे पास शायद वो ताकत है जिससे लोग हमारी बात सुनते हैं. तो आज मेरा यहाँ आना और मुझे यहाँ पर इनवाइट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं ये आम लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, स्पेशली माई मदर. शी इज़ नॉट हियर बट आई नो वो सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड करेंगी और वो लाइट फीड देखती रहेंगी. बिकॉज दिस, ये जो एक बहुत सारे फीचर्स हैं, बट ये एक फ़ीचर मुझे भी अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज मैं खुद अजमेर शरीफ दरगाह की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ और काफ़ी सालों से, इनफैक्ट सिंस चाइल्डहुड, मैं अपने फैमिली के साथ अजमेर शरीफ जाती थी. अभी 2-3 साल पहले भी गई थी. अगेन आई विल से, टाइम ना होने की वजह से, टाइम कंस्ट्रेंट्स होने की वजह से, यूजली यू डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट अजमेर शरीफ दरगाह एवरी ईयर, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो. तो आई थिंक यही एक चीज़ है जो मैं सीधे शब्दों में कहूँ, शिमारों ने ख़त्म कर दी है, जहाँ पर आप ये नहीं कह सकते, यू कॉन्ट मेक दिस एक्सक्यूज ऑफ सेइंग आई डोंट हैव टाइम. सो यू हैव टू मेक टाइम, बिकॉज नाउ इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स. यू जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वॉन्ट, वेदर यू वॉन्ट टू ऑफर अ चादर, फ्लावर्स, और ऑफर देग, या फिर अगर आप लाइव फीड देखना चाहें, आप हमेशा हर टाइम देख सकते हैं. मैं खुद भी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से मानती हूँ अजमेर शरीफ दरगाह को, तो मेरे लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी, एंड स्पेशली इन दिस होली मंथ ऑफ रमदान इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती थी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. We'll talk more about it, by the way. So I don't want to take much time, but we'll definitely talk more about the app and the features. Till then, you all stay connected and you please take it forward. Thank you so much. Thank you so much, Hina. I would request you to please stay on stage. All right. And now I would request Mr. Gada and Chishti ji to please come on stage. And we have come at the moment just पल का, जिस घड़ी का हम सभी जने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो मोमेंट आ चुका है. बिकॉज नाउ इट्स टाइम दैट वी अनवील द मोस्ट अवेटेड ऐप, दैट इज इबादत. सो वी विल बी हैंडिंग ओवर द एंड्रॉयड फोन टू हीना. या सो वी विल बी शोइंग यू एज टू हाउ कैन यू यूज द ऐप. So this is how the app looks like, and there are variety of hosts, and you can offer flowers also, but today Hina is going to book a chadar. And finally, that's how you book it, just with a click. So ye thought hum leke chale, in fact I would say ki 10 saal se ye thought leke chale the hum log ki kaise hum इसी के अंदर हम
लोगों को जो फेथ के साथ जो कनेक्ट है वो कैसे हम दे पाएँ, क्योंकि जैसे अगर अजमेर शरीफ है तो लोग रोज़ रोज़ जा नहीं पाते हैं वहाँ पे, या जब भी बुलावा आता है तभी वो जा पाते हैं, लेकिन अगर वो एक्सेस है उनको तो शायद वो दिन में दो बार उसको एक्सेस करके उस अपने जो सुकून है उनको जो चाहिए वो ला सकते हैं। इतने साल जब भी बैंडविड्थ कम थी इंडिया में तो तभी ऑडियो के थ्रू हम लोग एक्सेस देते थे इनिशियली, और फिर धीरे धीरे सो SMS ऑडियो अलग अलग तरीके से एक्सेस होता था, लेकिन अभी जो बैंडविड्थ बढ़ी है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वीडियो के थ्रू एंड दैट टू लाइव, क्योंकि बैंडविड्थ इसमें बहुत मतलब काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी इसमें जाती है लाइव एक्सपीरियंस देने में, तो वो पूरी जो एक्सपीरियंस है वो अभी पॉसिबल है क्योंकि इंडिया में अभी ब्रॉडबैंड का अच्छा खासा फैलाव हो गया है। तो इसलिए हमारी कोशिश तो यही है कि ऑडियो विजुअल की जो इम्पोर्टेंस है जो एज अ मीडियम, तो वो हाईएस्ट एक्सपीरियंस हम कैसे दे पाएँ, एंड एज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स डेफिनेटली द एक्सपीरियंस ऑल्सो फर्दर विल इम्प्रूव। लर्निंग के जो इसी बात को आगे रखते हुए देखिए, विजुअल लर्निंग जो है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम। एक होता है कि हम एक स्पीच दे दें, एक तकरीर कर दें, लेकिन इसके साथ साथ देखिए वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ एग्जीबिशंस ऑन इस्लामिक हिस्ट्री आर्ट कल्चर। दरगाह शरीफ में भी हमने पिछले 10 सालों से सूफी रंग फेस्टिवल को इसी नज़रिए से शुरू करा था कि जिस बात को हम समझा नहीं सकते लेकिन दिखा के लोगों को महसूस कर सकते हैं, इस तरीके से अलग अलग मुख्तलिफ ज़बानों से जो लोग बात करते हैं बाहर हिंदुस्तान के बाहर भी, जब हम जाने लगे तो वी स्टार्टेड टेकिंग दोज इमेजेस ऑफ अजमेर शरीफ एंड हैविंग एन एग्जीबिशन, सो पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो विजुअल लर्निंग इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम, और आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है व्हाई नॉट टू यूज़ इट फॉर द बेटर ऑफ द सोसाइटी, एंड इट विल ऐड टू द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एक्सेस। काफ़ी मरतबा हमें नहीं मिलता एक्सेस तो लोग कन्फ्यूज होते हैं और फिर उनको पता नहीं रहता है कि सही बात क्या है और गलत बात क्या है, बट वेन वी हैव द मीडियम टू कम्युनिकेट एट वन टाइम विद मिलियंस ऑफ पीपल, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द आइडियाज टू गेट डिजिटल। ओके, मेरा सवाल सलमान से ही है। जैसे कि हम जब दरगाह में जाते हैं और जब चादर चढ़ाते हैं तो उसका एक अलग सेटिस्फैक्शन होता है जब आप पर्सनली आप जाके चढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन जब हम पैसे पे करके चादर चढ़ाएंगे तो वो सेटिस्फैक्शन, वो कनेक्ट ऑडियंस के साथ आपको क्या लगता है वो आएगा? नहीं, देखिए यही बात है कि जब बुलावा होगा तो लोग पहुँचते हैं वहाँ पे, सो दिस इज़ नॉट अ होल एक्सपीरियंस, इट इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्टरी एक्सपीरियंस। ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिस इज़ अ कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ टू बी इन अजमेर शरीफ और टू बी एनी स्पिरिचुअल प्लेसेस, इट इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन टू व्हाट अजमेर शरीफ इज़ अबाउट। अजमेर शरीफ में क्या रिवायतें हैं, वहाँ की क्या तहजीब है और वहाँ की क्या कल्चर है। तो जब आप पहला स्टेप लेंगे जिसको बिल्कुल पता नहीं है अजमेर शरीफ के बारे में, अगर दे आर इंट्रोड्यूस, और जब ख्वाजा साहब का बुलावा, देखिए कोई ऐप एक ज़रिया है लेकिन जब बुलावा होगा जब भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं, तो इसी के ज़रिए अगर लोगों को हम टच कर सकते हैं, वी कैन रीच आउट टू द पीपल विद द मैसेज, अ पॉजिटिव मैसेज, तो दैट विल बिल्ड अप इवेंचुअली बाय पीपल हैविंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। और यह हकीकत बात है कि जो इंसान का ज़ाती एक एक्सपीरियंस होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट इज़ समथिंग विच नथिंग कैन रिप्लेस, बट देर इज़ अ मीन्स टू दैट एंड, सो दिस एप्लीकेशन इज़ अ मीन्स टूवर्ड दैट ग्रेटर एंड। I'll just add one more point over here कि while it is not the 100% experience, लेकिन क्या होता है कि एक कई समय ऐसा होता है कई बार कि हम लाइफ में डेली लाइफ में कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हमको उस समय वो नीड होती है, वो एक फेथ होती है, वो नीड होती है, तो तभी हम हो सकता है तभी हम नहीं जा पाते हैं, लेकिन हमने वो जो उसकी उस फेथ से जो हमको वो करना है, वो जो एक्ट करनी है, चादर चढ़ानी है, या इनफैक्ट एक बहुत अच्छी सर्विस है इसके बारे में भी मैं एक मिनट समझाऊंगा, मन्नत के बारे में, तो वो हम इस जरिए से कर सकते हैं, और फिर जब भी हमारा जब समय आएगा जाने का, जो बुलावा आएगा, तो हम उस वक्त जा पाएंगे। तो मन्नत जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्विस है, क्योंकि अगेन अजमेर शरीफ और मन्नत मतलब इट्स वन, लोग बड़ी बड़ी मन्नतें लेके अजमेर शरीफ जाते हैं, तो इसलिए हमने अगेन एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक मन्नत सर्विस इसमें इंक्लूड करी हुई है, ऐड करी हुई है, कि जो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आपकी मन्नत है और वो प्ले आउट होगी वहाँ पर, तो दैट इज़ द बेस्ट वे दैट योर वॉइस कैन रीच देयर। तो ये बहुत ही
इंटरेस्टिंग चीज़ है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है. तो यस, ये वहाँ जाने का एक्सपीरियंस डेफिनेटली अलग है, लेकिन दिस इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट इज़ पॉसिबल. That's how I would say. करा जी, सोनल दिस साइड आपसे सवाल है. इसमें अभी एक सेकंड में इनमें जो पूछा था इन्होंने, देखिए अभी भी वी आर डूइंग दिस इंडिविजुअली. ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट अ एंटायरली न्यू थिंग, बट अभी हम इंडिविजुअली करते हैं. छठी शरीफ होती है, कभी होता है तो लोग कहते हैं भाई हमें ज़रा अपना फ़ोन ऑन कर लें, कभी फ़ोन आ जाता है किसी का, कोई दुआ हो रही है. सो पीपल आर स्टिल लॉन्गिंग टू हैव सम काइंड ऑफ कनेक्शन टू अजमेर शरीफ इन वॉट एवर वे दे कैन गेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. कभी रात को भी मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई इसलिए दुआ कर दीजिए, हमारे पास ये मसला हो गया. कोई मसले मसाइल इंसान के साथ होते हैं, दिल का सुकून नहीं है, कोई भी आप मरहले से गुजर रहे हैं, तो पीपल स्टिल कॉल एट द मिडल ऑफ द नाइट ऑल्सो कि आप हमारे लिए जाके दुआ कर दें. सो दिस विल गिव अनदर ऑप्शन दैट पीपल कैन कनेक्ट इन अ वे टू रीच आउट टू द प्रेजेंस ऑफ ख्वाजा गरीब नवाज. गाना जी, मेरा सवाल था कि ऑब्वियसली ये ऐप है और ढेर सारी सर्विसेज यहाँ पर आप लोग दे रहे हैं, घर बैठे लोग अपनी मन्नतें भी पूरी कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं, ऑफरिंग्स भी दे सकते हैं. क्या तकरीबन क्या कॉस्ट होगा इसका? प्लस एक और सवाल साथ में जुड़ा हुआ है कि क्या जो भी कमाई होती है, जो भी ऑफरिंग्स दे रहे हैं लोग, उसका कुछ हिस्सा लोगों की मदद के लिए जाएगा या अजमेर शरीफ दरगाह में डोनेट होगा? वो भी बताइए दोनों चीज़ें. सो द मेन ऐप जो है ये फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है. एक्सेस टू द मेन ऐप इज़ कम्प्लीटली फ्री. इसमें अगर आपने कोई सर्विस अवेल की है तो सर्विस की जो नॉमिनल कॉस्ट है वो कॉस्ट रहेगी. उसमें से जैसे चद्दर वगैरह है तो वो अल्टीमेटली दरगाह शरीफ पर ही वो पेश होती है और वो पैसा दरगाह शरीफ में जाता है. आपने अगर डोनेशन दिया है तो डायरेक्टली वो पैसा वी विल पास ऑन टू द दरगाह शरीफ एंड यू विल गेट द दरगाह शरीफ से आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट वगैरह मिल जाएगी. तो इसीलिए आपको तबरुक वहाँ से उस तरह वहाँ से मिलेगी. तो मेन जो ऐप है ये कम्प्लीटली फ्री है. थैंक यू सो मच. वी विल हैव मोर वन ऑन वन क्वेश्चंस ऑन द राउंड टेबल क्योंकि इफ्तार का टाइम हो रहा है. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू प्लीज स्टे विद अस फॉर इफ्तार एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेटल डाउन एंड टेक योर सीट्स. मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. जैसे कि आप सब लोगों ने सवाल भी पूछा था कि 100% सेटिस्फैक्शन, जहाँ तक 100% सेटिस्फैक्शन की बात, आई लाइक टू टेल यू कि जब वहाँ से बुलावा आता है, मैं इस बात को बहुत ही ज़्यादा दिल से मानती हूँ बिकॉज़ मैं बचपन से अजमेर शरीफ दरगाह जाती आई हूँ. जब वहाँ का बुलावा होता है तो आप जाते ही जाते हैं. तब कुछ कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी, कोई भी चीज़, कोई भी रुकावट नहीं आएगी. बट तब तक के लिए, क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल है एंड वी आर सो बिज़ी इन आवर लाइव्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी और यू. आप मीडिया से बिलोंग करते हैं और मैं शूटिंग में बिज़ी होती हूँ. एवरीवन, आई गेस एवरीवन इज़ सो ऑक्यूपाइड विद देयर वर्क. और अगर इस बीच में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर आप, आई मीन आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे बाई दिस फीचर ऑफ इबादत ऐप, द लाइव फीड. मैं गाती हूँ बाय द वे, सिर्फ सुनने की बात नहीं है. आप लोगों को पता नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आई सिंग लाइक सिंग ऑल द फिल्म सॉन्ग्स. आई समटाइम्स सिंग नाज शरीफ एज वेल व्हेन आई एम अलोन एंड आई फील, आई मीन आई रियली फील गुड.
ओके मैम, क्या मैसेज देना चाहिए? रमजान का महीना है, लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि गलत काम ना करें, कुछ आपकी तरफ से? भाई, रमजान का महीना ओनली फॉर गलत काम? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस. आई थिंक हमको कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए. इसका रमज़ान के महीने से कोई लेना देना नहीं है. रमज़ान बेसिकली एक बहुत बड़ा टेस्ट है हम सब के लिए, जहाँ पर आपको पूरे साल की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें, आप खाना पीने पे कंट्रोल रखें, या फिर गलत काम ना करें. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ वो महीने में नहीं करना है, रमज़ान के महीने में नहीं करना है. इट्स बेसिकली अ ट्रेनिंग, अ सीख फॉर एवरी वन टू कंटिन्यू विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. आई थिंक हम जो भी करते हैं अपने फैंस को खुश करने के लिए करते हैं. एवरी वन वॉज आस्किंग मी अबाउट रमज़ान, अपने रमज़ान विश ने कि आप रोज़ा रख रही हैं या नहीं. तो जब पहला रोज़ा था सहरी के टाइम पे, आई क्लिक्ड अ पिक्चर स्पेशली फॉर देम एंड पोस्टेड इट, एंड एवरी वन वॉज वेरी हैप्पी. जी जी बिल्कुल. ये चिश्ती फाउंडेशन जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है. चिश्ती फाउंडेशन जो सलमान चिश्ती जी की है, जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की है, तो हम जो भी डोनेशन चद्दर वगैरह की आएगी वो पूरा चिश्ती फाउंडेशन को दिया जाएगा. तो वहाँ से काफ़ी काम हो रहे हैं जो गरीब नवाज़ों के लिए, गरीब और जो मुस्लिम ऑडियंस है, गरीब लोग हैं, उनके लिए काफ़ी काम हो रहा है वहाँ पे. अच्छा हीना, जैसे आपने चादर बुक किया, ये ऐप के थ्रू आपको मिलेगी और वो पूरी इन्फॉर्मेशन, आपको एक रिसीट भी मिलेगी, फाउंडेशन से रिसीट मिलेगी कि ये चादर चढ़ गई है, चढ़ चुकी है, आपके नाम से ये दी जाएगी. अच्छा हीना, इस ऐप का पार्ट बनिए, आप जब भी कुछ करती हैं हमेशा आपके फैंस स्क्रॉल करते हैं आपको किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आपने रमजान भी विश किया उसके लिए भी आपको बहुत आई. इस ऐप को आपने लॉन्च किया, आप लग रहा है कि आपके फैंस इसके लिए आपको स्क्रॉल कर सकते हैं या इसके लिए भी आप तैयार हैं? आई थिंक वो एक कहावत नहीं है कि जब आप जितना ऊपर जाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है. लोग आपके बारे में, वो कहते हैं ना, जब लोग आपके बारे में बात करना शुरू करते तो समझ लीजिए कि आप ऊपर जा रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं. और कामयाब होना सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ कामयाब हुए या जहाँ पर हम हैं दैट्स दी एंड, हमको आगे बढ़ना है लाइफ में. अगर हम ये याद रखें कि लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे, या ट्विटर पे क्या होता है या सोशल मीडिया पे क्या होता है, आई थिंक वी ऑल विल हैव टू सिट बैक होम एंड डू नथिंग. सो इट रियली डजंट अफेक्ट मी, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम. एंड एनीवे सोशल मीडिया इज़ फेसलेस. कौन क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है. सो इट्स बेटर दैट यू शुड नॉट रियली थिंक अबाउट इट एंड मूव ऑन इन लाइफ. डू गुड थिंग्स. लास्ट क्वेश्चन. सॉरी, मुझे सवाल तो सुनने दीजिए. अजमेर शरीफ यूजुअली हम जाते थे बचपन में. आई थिंक हम विंटर्स में जाते थे. एक बहुत बड़ा रीज़न विंटर्स में जाने का ये भी होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड होती थी. तो एक ये भी होता था कि विंटर्स में जाएंगे अजमेर शरीफ में, हमारे दर्शन भी हो जाएंगे, एंड प्लस आप घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनको भी आराम मिलता है. एंड अजमेर एनी वेज इज़ सो ब्यूटिफुल. और दरगाह में जो आपको सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है. मैंने अपनी आंखों से देखा है ऑल दीज इयर्स आई हैव बीन देयर कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड कम देयर एंड प्रे. सो दैट्स लाइक अमेजिंग. एंड इट्स जस्ट आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा अजमेर शरीफ एक बहुत बहुत पाक और अच्छी जगह है. दिल्ली तो है ही नहीं किसी के पास. अच्छा पीछे लगा दुनिया आगे लिए और कौन तुम्हारे आगे कोई है मेरे इधर मेरे रोल किधर दिखा रहे हो? मोबाइल का पीछे लगा दो. अरे हां, अरे आवाज बंद रखो और क्या कर रहे हैं ना.
अभी वो अपने मीडिया से नहीं गाइस कैन यू प्लीज बी अ लिटिल बैक अच्छा दैट ग्रुप पे तुम महीने में क्या करते हो थोड़ा सा चैनल वाले थोड़ा सा पीछे रहना थोड़ा सा पीछे प्लीज थोड़ा सा पिछले ना भाई ये क्या बैठो जरा कौन है आगे तुम्हारे पिछले ना मोबाइल